यह है मेरा यूट्यूब चैनल CSP रिजवान, इसको आप सब यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल CSP रिजवान पर। आज हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। आपसे रिकमेंडेशन मैं भी ले रहा हूँ कि पर डे का करंट अफेयर्स डाला जाए चैनल पर, या फिर प्रत्येक 10 दिन का या प्रत्येक हफ्ते का करंट अफेयर्स इस चैनल पर डाला जाए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको पर डे का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर 10 दिन का। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 11 जनवरी से 20 जनवरी तक का करंट अफेयर्स है ये। तो हम देखते हैं सबसे पहले 40 वर्ष की आयु में 2 शतक लगाने वाले रणजी के प्लेयर हैं ये, वसीम जाफर रणजी के प्लेयर हैं और इन्होंने 40 वर्ष की आयु में 2 शतक लगाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी ये क्रिकेटर बन गए हैं। सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं रणजी ट्रॉफी में। सिक्किम का पांगयोंग हवाई अड्डा देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है और इस पांगयोंग हवाई अड्डे की जो ऊंचाई है वो समुद्र की सतह से 4,500 फुट ऊपर है। तो ये देश का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। तिमाही में 10,000 करोड़ का लाभ कमाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई। इकोनॉमिक्स रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रिलेटेड आ जाते हैं। तो तिमाही में 10,000 करोड़ का लाभ कमाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई। ODI वनडे इंटरनेशनल में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम ने जो है टेस्ट सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया और ODI वनडे इंटरनेशनल में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया और ये विश्व की एकमात्र टीम बन गई जिसने ऑस्ट्रेलिया को एक ही टूर में सभी सीरीज में हराया है। ये डेटा आप ज़रूर याद रखें, टेस्ट सीरीज में भी हराया है और अब वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा, बड़ा विवादित केस रहा, आलोक वर्मा को हटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से आलोक वर्मा को बहाल किया गया और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति ने, 3 सदस्यीय समिति होती है जिसमें चीफ जस्टिस या उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस समिति ने दोबारा से जो है आलोक वर्मा को पद से हटा दिया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, 40 लाख तक का टर्नओवर वाली कंपनी को अब GST नहीं देना होगा। जिस कंपनी का टर्नओवर 40 लाख या उससे कम है उसको GST पे नहीं करना है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में ये सीमा जो है 20 लाख रुपए रखी गई है और राजस्व सचिव कौन है, अजय भूषण पांडे जो है वह राजस्व सचिव है। कौशल कांत मिश्रा और यूथ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा है, हालांकि इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। 124वां संविधान संशोधन, सरकार ने जो सवर्ण है जो गरीब तबका है उसको 10% का आरक्षण दिया है और इस आरक्षण के लिए क्या किया गया, 144वां संविधान संशोधन किया गया है और उस पर कौशल कांत मिश्रा और यूथ फॉर इक्वालिटी, एक NGO है यूथ फॉर इक्वालिटी और एक इंडिविजुअल है कौशल कांत मिश्रा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दायर की है कि भाई ये इंदिरा साहनी केस का वॉयलेशन है। इंदिरा साहनी केस क्या था, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहली चीज़ आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता, दूसरी चीज़ आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इंदिरा साहनी केस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो कौशल कांत मिश्रा और यूथ फॉर इक्वालिटी NGO ने ये एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है। एशिया कप फुटबॉल UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है और इसमें UAE की टीम ने ही भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो UAE में एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और UAE में 7 शेख आते हैं और अजमान फजैरा दुबई अबू धाबी शारजा वगैरह 7 शेख इसमें आते हैं, तो 7 अमीरात से मिलकर ये UAE बनता है। मैरी कॉम विश्व की नंबर एक महिला मुक्केबाज बन गई, जो MC मैरी कॉम है, राज्यसभा की सांसद भी हैं, वो विश्व की नंबर एक की महिला मुक्केबाज बन गई। इन्होंने लगातार 6 जो है विश्व चैंपियनशिप जीती हैं। अमेरिका और मेक्सिको की दीवार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की संसद में बड़ा विवाद चल रहा है। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई दीवार बनेगी पूरी, कई 5,000 किलोमीटर की दीवार है ये बनने, मतलब उम्मीद की जा रही है राष्ट्रपति द्वारा कि ये बनाई जाएगी, लेकिन वहाँ की संसद क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो इसको बनाने के पक्ष में नहीं है। तो लगभग अमेरिका में शटडाउन की स्थिति है, इस वजह से बड़ा विवाद चल रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ की संसद में मेक्सिको की दीवार को लेकर। एंडी मरे का संन्यास, बड़ी खबर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एंडी मरे जो लोन टेनिस के प्लेयर हैं उन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है और ये Big 4 में शामिल हैं। Big 4 लोन टेनिस के Big 4 जो हैं, रॉजर फेडरर,
एंडी मरे, राफेल नडाल, ये सब लोग बिग फोर में आते हैं। रोजर फेडरर, एंडी मरे, नडाल और जोकोविच। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, एंडी मरे ब्रिटेन के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। तो ये बिग फोर में आते हैं, उनमें से एक एंडी मरे जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने अपने खेल से संन्यास का फैसला लिया है। और लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। इससे रिलेटेड एक वीडियो, कौन से टूर्नामेंट में क्या होता है, वाइट ड्रेस किस में होती है, ग्रास पर कौन सा खेला जाता है और लाल मिट्टी पे कौन सा खेला जाता है, इस चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, जिसमें सारा लॉन टेनिस संबंधित जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे पांड्या और लोकेश राहुल, बड़ा प्रसिद्ध मामला है ये। पांड्या और लोकेश राहुल जो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं और इन्होंने महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस कारण इन लोगों को निलंबित कर दिया गया। और साथ ही 82 साल के इतिहास में पहली बार ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो टूर्नामेंट के बीच में से वापस भारत बुलाए गए हैं। इनको निलंबित करने के बाद पहली फ्लाइट से भारत बुलाने के लिए या भारत भेजने के लिए कहा गया है। पंचायती अखाड़े ने साध्वी निरंजना को जो है महामंडलेश्वर, एक और चीज़ आ रही है, ये जितने भी अखाड़े हैं इनसे रिलेटेड भी एक वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पंचायती अखाड़े ने साध्वी निरंजना, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, निरंजना को महामंडलेश्वर नियुक्त किया है। और अपर्णा कुमार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, कहां पर पहुंचने वाली, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस हो गई हैं। ये आईपीएस हैं अपर्णा कुमार और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस हो गई हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं पहला फ्लिप कोटलर पुरस्कार जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। फ्लिप कोटलर ये पहला पुरस्कार है और नेतृत्व के क्षेत्र में दिया जाता है, पहला फ्लिप कोटलर पुरस्कार। नेपाल के थल सेना अध्यक्ष जो है पूर्ण सिंह थापा, नेपाल के थल सेना अध्यक्ष पूर्ण सिंह थापा ने भारत की यात्रा की और उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के जनरल रैंक की उपाधि या थल सेना अध्यक्ष की मानद उपाधि या जनरल की मानद उपाधि पूर्ण सिंह थापा, जो कि नेपाल के थल सेना अध्यक्ष है, को दी गई है। तेंगकू अब्दुल्ला शाह, ये नाम इम्पोर्टेंट है, तेंगकू अब्दुल्ला शाह को मलेशिया का नया सुल्तान नियुक्त किया गया है और रूसी महिला के साथ इनसे पहले एक जो सुल्तान थे उन्होंने शादी कर ली थी, इसके विवाद हो गया था, इसके चलते उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा था सुल्तान के पद से, तो उसके बाद अब तेंगकू अब्दुल्ला शाह जो है नए सुल्तान बने हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती मनाई गई, इस पर प्रधानमंत्री ने एक सिक्का भी जारी किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10 गुरु हैं नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। सिखों के 10 गुरु हुए हैं जिनमें से 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और इनकी 352वीं जयंती मनाई गई है। बेंगलोर रैप्टर्स ने मुंबई रैकेट्स को हराकर PBL प्रीमियम बैडमिंटन लीग प्रतियोगिता जीत ली है। खेल के लिए इम्पोर्टेंट है ये, बेंगलोर रैप्टर्स ने जीती है, किसको हराया है, मुंबई की टीम को हराया है, मुंबई रैकेट्स को हराया है। कौन सी टूर्नामेंट जीता है, प्रीमियम बैडमिंटन लीग का टूर्नामेंट जीता है। अंबाती रायडू, हालांकि ये बैट्समैन है लेकिन पार्ट टाइम बॉलर बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग के एक्शन को लेकर ICC ने जो है आपत्ति दर्ज कराई है। खिलाड़ी का नाम है अंबाती रायडू। अगला इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, उसको 2020 तक माइक्रोसॉफ्ट जो है बंद करने के लिए प्लान कर रहा है। हालांकि इसके जो सपोर्ट है केवल वही बंद होगा और जिन लोगों के लैपटॉप वगैरह में OS पड़ा हुआ है विंडोज 7, वो ऐसा नहीं है काम करना बंद कर देगा, वो चलता रहेगा, बस सपोर्ट उसका बंद हो जाएगा 2020 में। मनु सहानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ICC के, और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दिनेश माहेश्वर और संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किया गया है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 30 और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो कुल संख्या 31 है। संविधान के अनुच्छेद 124 में भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। गुजरात के हजीरा में 10 एक फैक्ट्री है, उसमें 100 होविट्जर तोपों का निर्माण हो रहा है
और होविट्जर तोपों का भारतीय संस्करण क्या है, K9 वज्र या K9 वज्र होविट्जर तोपों का निर्माण हो रहा है और ये जो हजीरा है वो सूरत में स्थित है, गुजरात के सूरत में स्थित है। सिनेमा संग्रहालय, भारत का सिनेमा संग्रहालय, ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हालांकि इसमें तुक्का लगाना आसान है कि सिनेमा संग्रहालय तो ऑब्वियसली जहां पर बॉलीवुड है वहीं पर होगा, तो सिनेमा संग्रहालय की स्थापना जो है मुंबई में की गई है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। सेंट्रल रेलवे की पहली राजधानी एक्सप्रेस, अभी तक दो राजधानियाँ जाती थी दिल्ली से बम्बई के लिए, लेकिन एक भी राजधानी एक्सप्रेस सेंट्रल रेलवे से नहीं जाती थी, तो पहली बार पहली राजधानी एक्सप्रेस है जो सेंट्रल रेलवे से भी जाएगी, तो अब टोटल संख्या हो गई 3 राजधानी जो कि दिल्ली से बम्बई को जोड़ती हैं। तो ये ट्रेन जो है सेंट्रल रेलवे की पहली राजधानी ट्रेन है जो मुंबई से चलेगी और हज़रत निज़ामुद्दीन तक जाएगी। इसका रास्ता वो जयपुर वाला रास्ता नहीं होगा, इसका रास्ता ये भुसावल और झांसी होते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचेगी। मिलिट्री पुलिस में 20, निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 20% रिजर्व कर दी हैं सीटें मिलिट्री पुलिस में, जो कि मिलिट्री की एक अलग पुलिस होती है, उसमें 20% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, आप ये ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा कि पर डे का करंट अफेयर्स डालना ठीक है या फिर 10 दिन का या हफ्ते भर का करंट अफेयर्स डाला जा सकता है। और भी वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं तो उनको भी जाके ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उससे जुड़े रहने के लिए।